गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने बात की थी आपके रैम और रोम के बारे में, ठीक है। रैम यानी कि प्राइमरी मेमोरी के अंदर हमारे कौन कौन से पार्ट आते हैं, रैम और रोम, ठीक है। आज हम बात करेंगे आपके रोम के बारे में, रोम के कितने पार्ट होते हैं, रोम के भी कुछ पार्ट्स होते हैं वो देखिए आप, और क्या क्या यूज होते हैं उनके, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे आज हम। तो आप देखिए, रोम के बारे में देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ रोम। क्या है, देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ रोम। थ्री पार्ट्स ऑफ रोम कौन कौन से हैं आपके, देखिए क्या है, देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ रोम। रोम के तीन पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं आपके, देखिए पहले तो नंबर वन होता है आपका पी आर ओ एम, इसका मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, जो सिर्फ प्रोग्राम की जाती है, यानी कि जो सिर्फ कोई काम करने के लिए यूज होती है, ठीक है। दूसरा है ई पी आर ओ एम, ठीक है, ई पी आर ओ एम क्या होता है, इरेजेबल प्रोग्राम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, जो हम इरेज कर सकते हैं। थर्ड है ई ई पी आर ओ एम, यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रैंडम सॉरी रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। आप देखिए ये तीन टाइप की आपकी मेमोरीज होती हैं, किसके अंदर, रोम के अंदर। देखो सभी के अंदर रोम आ रहा है, यानी कि ये रोम के ही पार्ट है, ठीक है। तो अब हम पहले पार्ट के बारे में बात करेंगे, पी आर ओ एम यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। पहले पार्ट के बारे में बात करेंगे हम, क्या होता है देखिए, इसकी फुल फॉर्म देखिए आप पहले तो, देखिए क्या फुल फॉर्म होती है इसकी, प्रोग्रामेबल, ठीक है, जो सिर्फ लिखने वगैरह के लिए, प्रोग्राम करने के लिए यूज होती है, रीड ओनली मेमोरी। आपको पता ही है रोम का क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। आप देखिए इसको क्या होती है और कैसे यूज होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए क्या है, There is another type of primary memory.
क्या है, ये भी प्राइमरी मेमोरी का एक दूसरा टाइप है। ठीक है, देखिए क्या है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जो प्रोग्राम करने के लिए यूज होती है, यानी कि कोई भी चीज बैकग्राउंड में, यानी जैसे आपके कोड वगैरह है, इन सब को बनाने के लिए कौन सी मेमोरी का यूज होता है, प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी का। इसको हम क्या बोल सकते हैं, देयर इज ए अनदर टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी, यानी कि ये आपके प्राइमरी मेमोरी का एक दूसरा टाइप है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है हमारा इट इज नॉट पॉसिबल टू इट इज नॉट पॉसिबल टू इरेज मॉडिफाई एंड इरेज प्रोग्राम स्टोर इन कंप्यूटर। क्या बोल रहा है, इट इज नॉट पॉसिबल टू मॉडिफाई, यानी कि हम इसके अंदर कोई भी चेंजमेंट नहीं कर सकते और ना ही किसी भी प्रोग्राम को, यानी कि इसके अंदर हमने कोई फाइल वगैरह बनाई है या स्टोर की है तो उसको हम मिटा भी नहीं सकते, यानी चेंज भी नहीं कर सकते और उसको डिलीट भी नहीं कर सकते, समझ गए, जो रोम के अंदर स्टोर होती है। ठीक है, नोट करो, अब हम बात करेंगे आपके सेकंड पार्ट के बारे में। सेकेंड हमारा क्या था, EPROM, EPROM का मतलब क्या है आपका, सेकेंड हमारा था EPROM, EPROM क्या है, इरेजेबल, यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इरेजेबल का मतलब मैंने बताया था उस चीज को मिटाना, डिलीट करना, यानी कि ये ऐसी मेमोरी है जब आप कोई काम करते हो, कोई फाइल वगैरह बनाते हो तो उसको हम इरेज कर सकते हैं, यानी डिलीट कर सकते हैं, किसके थ्रू, इस रोम के थ्रू। ठीक है, तो देखिए कुछ पॉइंट्स हैं इसके, वो देखिए आप, इट
can be erased and erase and reuse. देखिए क्या है, इट कैन बी इरेज मतलब इसको हम मिटा भी सकते हैं, ये मिटाना नहीं यानी डिलीट भी कर सकते हैं और इसको दोबारा से यूज भी कर सकते हैं यानी दोबारा से इसको स्टोर भी कर सकते हैं, समझ गए? अब देखिए दूसरा पॉइंट है हमारा देखिए when the EPROM EPROM is in use information can only be read. Only be read. अब देखिए क्या बोल रहा है ये EPROM, जब हम ये मेमोरी यूज करते हैं EPROM तो हम क्या कर सकते हैं, ओनली रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते उस चीज को, ठीक है? यानी कि ओनली रीड करने के काम आता है हमारा रोम. क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी, जो सिर्फ रीड करता है. EPROM भी क्या करता है? सिर्फ रीड करेगा आपकी इंफॉर्मेशन को, ठीक है? नोट कीजिए. हो गया होगा सभी का. अब देखिए नेक्स्ट है हमारा थर्ड पार्ट. थर्ड हमारा क्या था? EPROM. इसका मतलब क्या है हमारा? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. अब देखिए क्या होती है ये इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि हम इलेक्ट्रिकली यानी लाइटिंग लाइट के थ्रू इसको इरेज कर सकते हैं, कुछ बना सकते हैं और रीड कर सकते हैं, ठीक है? ये इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है? अब देखिए ये किस लिए यूज होती है और कैसे काम करती है. इट यूजेज इलेक्ट्रिकल बीम और इरेज द डाटा
और इरेज दी डाटा और रोम, यानी कि ये इलेक्ट्रिकली बीम, यानी आपका जो इलेक्ट्रिकल का जो यूज है उसके अंदर आपका इसका सबसे ज्यादा यूज है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल का जो काम है उसके अंदर आपका इसका सबसे ज्यादा यूज है, इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिकली, ठीक है, यानी कि हम इसी से समझ सकते हैं, यानी ये बिजली के काम से रिलेटेड है, समझ गए, यानी कि जो इलेक्ट्रिकली जो स्विच वगैरह होते हैं आजकल इलेक्ट्रिकली स्विच भी आपके जो नेटवर्क के थ्रू आने लग गए, ठीक है, नेटवर्क के थ्रू यानी जो हम वॉइस कमांड से या फिर आप इंटरनेट वगैरह से यानी कि फोन वगैरह से ऑपरेट जो करते हैं उनके अंदर ये यूज होती है, ठीक है, नोट करो।